समुंदर में बहुत मजा आया, थोड़ा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया अभी बॉडी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं और शाम को मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, सुबह से टाइम नहीं मिला, ऑफिस का काम कर रहा था। तो अभी हम निकल रहे हैं हॉस्टल से, सो दिस इज अ प्लेस, ये हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, कौन से बीच पे जाएंगे वो मालूम नहीं, अभी बीच पे जाके हम बताते हैं हम एग्जैक्टली कौन से बीच पे गए। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कुडले बीच, ये कुडले बीच जाने का रास्ता है, हमारे हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं है, एक 500 मीटर पे ही है। और आगे जो जा रहे हैं हमारे भाई जा रहे हैं, संदेश भाई और नितिन भाई, जो कल से हमारे साथ है। तो अभी हम नीचे जाते हैं और बीच पे पहुंचने के बाद आपको बताते हैं। स्टेयर्स से आप नीचे आते हो, बाद में ऐसा रास्ता है, ये कच्चा रोड है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ये एकदम डेंस फॉरेस्ट है दोनों तरफ। और अभी चलो ठीक है, अभी थोड़ा उजाला है, बट अंधेरे में आने के लिए यहाँ से फटेगी, ये पक्का है। हमने तीन बीच देखे, एक तो था जो गोकर्ण का मेन बीच है, द सेकेंड वाज ओम बीच जो कल हम शाम को गए थे, और ये है कुडले बीच जहाँ पे अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। तो इट्स क्वाइट अ ट्रैक, अभी नीचे जाने के टाइम पे तो लग नहीं रहा, लेकिन ऊपर आते समय जान आ जाएगी हाथ में। तो चलो कोई नहीं, अभी आए हैं तो आपको कुछ दिखाएंगे, थोड़ी जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे प्राप्त होता। सो गाइस आप देख सकते हो सामने बीच है, शायद यहाँ पे आने के लिए और भी कोई रास्ता रहेगा, क्योंकि सब लोग इतना ट्रैक करके तो आ नहीं सकते। सो गाइस दिस इज द बीच, कुडले बीच। आप समुंदर की आवाज सुन सकते हो, ये कानों में बड़ी प्यारी लग रही है। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, इनफैक्ट मुझे जल्दी आना था सनसेट होने के पहले, ताकि एक अच्छा खासा टाइम लैप्स निकालूं, लेकिन चलो कोई नहीं। कल भी हम हैं यहाँ पे, तो यस आई हैव एक्सटेंडेड वन मोर डे, तो कल भी मैं गोकर्ण में रहने वाला हूँ। घर का प्लान ये है कल हम जाएंगे सुबह मुर्डेश्वर। तो गाइस अभी हमने एक डिप ली समुंदर में, बहुत मज़ा आया, थोड़ा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया अभी बॉडी। मैं आपको आगे से अभी दिखाता हूँ। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वेव्स है ना, काफी जबरदस्त है। हम कैमरा रखते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ रिस्क है तो इश्क है, लेकिन कैमरे में अगला वीडियो शूट करना है। काफ़ी कम लोग हैं बीच पे और अच्छा बीच है। द थिंग इज चारों तरफ है ना यहाँ पे ये बीच के, ये ग्रीनरी है,
तो गाइस चलो मैं कैमरा रख देता हूँ, वापस मैं जाऊँगा पानी में, थोड़ी देर इधर मजा करेंगे एंड देन वापस हम लोग हमारे हॉस्टल पे जाएंगे। सो गाइस हम लोग बीच से आ चुके हैं, रिटर्न में जस्ट फ्रेश हुआ, नहा लिया और अभी खाना खाने जाने वाले हैं। तो ज़्यादा तो मैं कुछ दिखा नहीं पाया इस वाले ब्लॉग में क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, तो ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो आपको मन में क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरा नीचे का इंस्टाग्राम आईडी है, इसे भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।